इंदौर राजवाड़ा स्थित अहिल्या प्रतिमा के सामने अद्भुत नजारा था। 150 से अधिक बैंड वाले स्वच्छता का गीत बजा रहे थे और लोग मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। अब इंदौर में बैंड वाले हर मांगलिक कार्यक्रम में पहले स्वच्छता का गीत बजाकर शहर को स्वच्छ रखने का संदेश देंगे। यह सभी मध्य प्रदेश बैंड महासंघ समिति के सदस्य सांसद का सम्मान करने और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने पहुंचे थे। सांसद शंकर लालवानी ने बैंड वालों से कहा कि मांगलिक कार्यक्रमों में पहले इंदौर की स्वच्छता का गीत बजाएं, इससे लोगों में जागरूकता बढ़े और हमारा इंदौर स्वच्छता में नंबर वन बना रहे। सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि लॉकडाउन के बाद जब रियायत दी गई तो 5 बैंड वालों को ही परमिशन थी, फुल बैंड पार्टी को इजाजत नहीं मिल पाई थी। सभी ने मुझसे संपर्क किया और मैंने इनकी यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाई और उन्होंने इसकी अनुमति दी। बैंड महासंघ के अध्यक्ष नौशाद भाई ने कहा कि हम मांगलिक कार्यक्रमों में स्वच्छता के विषय में जागरूक करने के लिए प्रयास करेंगे और इंदौर का स्वच्छता का गीत बजाएंगे। दीपक सिंह और अभिजीत सिंह के साथ ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। हजारों लोगों को इसका असर होगा और इंदौर जो हमारा बैंड संघ है उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की एक बैठक बुलाई थी इंदौर में, उस बैठक में मैं भी गया था। पूरे प्रदेश के बैंड वाले पदाधिकारी वहाँ इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये मांग की थी कि भाई बहुत कम समय है हमारे लिए मांगलिक कार्यों के लिए, तो आप इसकी इजाज़त दिलवाइए। मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन की कि पूरे बैंड वाले और उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि बैंड की परमिशन मिलना चाहिए, और जब उनकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री हमारे बहुत सहज है और वो समझते हैं चीज़ों को। उन्होंने तुरंत ही प्रशासनिक आर्डर निकाला और उन्होंने कहा कि बैंड जिस प्रकार से चलता है लेकिन उसमें एक कंडीशन डाली कि पूरी बैंड की परमिशन देंगे लेकिन उन सभी मानदंडों का ध्यान ये रखेंगे, सोशल डिस्टेंस, क्योंकि ये मास्क इसलिए नहीं लगा सकते कि इनको बजाना है मुँह से, लेकिन जब नहीं बजाएंगे तो मास्क लगाएंगे, पर कम से कम बैंड जब चलेगी बजेगी तो इनको सोशल डिस्टेंस सामाजिक दूरी रखना है। और इन्होंने सबने सहमति भी दी कि हम सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखेंगे। एक बार जब ये परमिशन हो गई तो इनके मन में बहुत हर्ष हुआ कि अब हम पूरी बैंड के साथ मांगलिक कार्यों में जाएंगे। 2-3 दिन से संपर्क करने से कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। मैंने बोला मैं आपके बीच का एक व्यक्ति हूँ, मेरा स्वागत मत करिए, आप अहिल्या माता के चरणों में आए और वहाँ हम पुष्प चढ़ाएंगे, यही हमारा सबका स्वागत है। मैंने उनसे फिर कल एक निवेदन किया कि हम स्वच्छता में लगातार इंदौर 4 बार पूरे देश में 1 नंबर पे रहा है, क्यों ना हम इस अवसर पर संकल्प लें कि जब भी हम किसी मांगलिक कार्य में किसी के भी बैंड बजाने जाएंगे तो सबसे पहले अगर हम कोई धुन बजाएंगे तो हम स्वच्छता की बजाएंगे। और उन्होंने ये सब में सहमति दी कि भाई हम अब किसी भी मांगलिक कार्य में जाएंगे तो पहला जो गीत रहेगा, पहली जो बैंड की धुन बजेगी वो स्वच्छता की रहेगी। और आज भी आपने देखा होगा जैसे ही मैं आया और पहली जो धुन बजी वो स्वच्छता की बजी, तो ये उन्होंने संकल्प लिया। और ये भी चाहते हैं कि पूरे इंदौर में जिस प्रकार स्वच्छता का हमको पंचे लगाना है उसमें इनकी भी भागीदारी रहेगी। तो इंदौर का एक एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, हमने देखा इंदौर से ठेले वाले से लेके गरीब किसान से लेके सभी लोग जो भी है वो सभी लोग स्वच्छता में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।